इन दिनों सोशल मीडिया पर हम यह कहें कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर एक अखबार वायरल हो रहा है और वो अखबार कोई और नहीं बल्कि विश्व का प्रतिष्ठित अखबार द डेली न्यूयॉर्क टाइम है। जी हाँ, इस अखबार का फ्रंट पेज किस तरह से बना दिया गया यह हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इस अखबार के फ्रंट पेज पर एक मगरमच्छ को आंसू बहाते हुए दिखाया गया है। साथ में जो हेडिंग है उसमें देश के प्रधानमंत्री की ओर इशारा कर दिया गया है। मतलब कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य कर्मियों से बात करते करते गमगीन हो गए। अपने लोकसभा क्षेत्र काशी को लेकर जब वो बात कर रहे थे और कोरोना की महामारी की मौतों की जब वह चर्चा कर रहे थे तो उनकी आंखें नम हो गई थी। बस इसी को मुद्दा बनाकर विपक्षी दलों ने उन पर प्रहार शुरू कर दिए, लेकिन द डेली न्यूयॉर्क टाइम्स की यह खबर तो बिल्कुल ही निराधार है। हालांकि विश्व के अलग अलग अखबारों ने जरूर भारत की सरकार पर सीधा हमला बोला है और कोरोना महामारी में उसे बुरी तरह फेल बताया है। अभी देखिए इस रिपोर्ट में किस तरह से इस अखबार का सहारा लेकर नरेंद्र मोदी पर हमला किया गया। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक फोटो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस फोटो में रोते हुए मगरमच्छ की तस्वीर है। इसके ऊपर कैप्शन दिया गया है, इंडियाज प्राइम मिनिस्टर। आपको बता दें कि अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी वर्चुअल मीटिंग के दौरान कोरोना से जान गंवा देने वाले लोगों की बात करते हुए भावुक हो गए थे। हालांकि ट्विटर पर दी डेली न्यूयॉर्क टाइम्स के एक पेरेडी अकाउंट ने इस तस्वीर को शेयर किया है। इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया मोदी सरकार को किस तरीके से कटघरे में खड़ा कर चुका है, आइए देखते हैं। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने 24 अप्रैल के अपने ओपिनियन में लिखा कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर की सबसे बड़ी वजह पाबंदियों में जल्द राहत मिलना है। इससे लोगों ने महामारी को हल्के में लिया। कुंभ मेला, क्रिकेट स्टेडियम जैसे इवेंट में दर्शकों की भारी मौजूदगी इसके उदाहरण है। एक जगह पर महामारी का खतरा मतलब सभी के लिए खतरा, कोरोना का नया वेरिएंट और भी ज्यादा खतरनाक है। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने भारत में कोरोना बने भयानक हालात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। 23 अप्रैल को अखबार ने लिखा था, भारतीय प्रधानमंत्री के अति आत्मविश्वास से देश में जानलेवा कोविड 19 की दूसरी लहर रिकॉर्ड स्तर पर है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के संदर्भ में 25 अप्रैल को लिखा, साल भर पहले दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन लगाकर कोरोना पर काफी हद तक काबू पाया, लेकिन फिर एक्सपर्ट्स की चेतावनी की अनदेखी की गई। आज कोरोना के मामले बेकाबू हो गए हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, प्रमुख राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है। सरकार के गलत फैसलों और आने वाली मुसीबत की अनदेखी करने से भारत दुनिया में सबसे बुरी स्थिति में आ गया है, जो कोरोना को मात देने में एक सफल उदाहरण बन सकता है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन में 23 अप्रैल को राणा अय्यूब के लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना की लड़ाई में नाकाम बताया गया। लेख में सवाल किया गया है कि कैसे इस साल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते तैयारी नहीं की गई। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा गया कि जिम्मेदारी उसके पास है जिसने सभी सावधानियों को नजरअंदाज किया, जिम्मेदारी उस मंत्रिमंडल के पास है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कहा कि देश में कोरोना के खिलाफ उन्होंने सफल लड़ाई लड़ी, यहाँ तक कि टेस्टिंग धीमी हो गई, लोगों में भयानक वायरस के लिए ज्यादा भय ना रहा। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी बीबीसी ने कहा कि कोरोना के रिकॉर्ड मामलों में भारत के हेल्थ केयर सिस्टम पर बुरा असर पड़ा है, लोगों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन नहीं है, कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी की वजह हेल्थ प्रोटोकॉल में ढिलाई, मास्क पर सख्ती नहीं होना और कुंभ मेले में लाखों लोगों की उपस्थिति रही।